दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स अपने शुरुआती दो आईपीएल सीजन में शानदार परफॉर्मेंस कर दोनों सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन तीसरे सीजन में यानी आईपीएल 2024 में एलएसजी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल 2024 में केएल राहुल की टीम 14 मैच में से सिर्फ 7 मैच ही जीत पाई और पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर रही। अब इस खराब परफॉर्मेंस के बाद एलएसजी कौन कौन से खिलाड़ियों को आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम में रिटेन करने वाली है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगले आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होगा, इसलिए 4 से ज़्यादा खिलाड़ी एलएसजी रिटेन नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लखनऊ कौन से 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप 4 रिटेन प्लेयर्स। तो इस लिस्ट में पहले खिलाड़ी जिन्हें एलएसजी रिटेन करेगी वो हैं केएल राहुल। केएल राहुल ने अपनी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स को 2022 और 2023 में प्लेऑफ में पहुंचाया था। हालांकि इस बार वो अपनी टीम को टॉप 4 में ले जाने से चूक गए, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर राहुल का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। राहुल 14 मैचों में 520 रन बनाकर एलएसजी के लिए आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। हालांकि खराब स्ट्राइक रेट के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो राहुल का कप्तानी और पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा रहा है। आईपीएल में उन्होंने खूब रन बनाए हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे टीम आईपीएल 2025 से पहले उन्हें रिलीज करे। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें एलएसजी कंफर्म रिटेन करेगी, वो हैं निकोलस पूरन। वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एलएसजी के लिए 3 सीजन में शानदार परफॉर्मेंस किया है और वे इस टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए हैं। आईपीएल 2024 में पूरन एलएसजी के सेकेंड हाई स्कोरर रहे, जहाँ उन्होंने 14 मैचों में 499 रन बनाए। पूरन मिडिल ऑर्डर में खेलने के अलावा एक फिनिशर के रोल पर भी खड़े उतरते आए हैं। उनके रहने से एलएसजी की बल्लेबाजी निश्चित तौर पर मजबूत हुई है, ऐसे में उनका रिटेन होना भी तय है। फिर तीसरे खिलाड़ी एलएसजी के रिटेन लिस्ट में होंगे मार्कस स्टोनिस। पूरन की तरह मार्कस स्टोनिस भी 2022 से एलएसजी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी अपने शानदार परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया है। आईपीएल 2024 में स्टोनिस ने 14 मैचों में 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी ठोककर 388 रन बनाए। साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 4 विकेट भी झटके। बल्ले से स्टोनिस हमेशा गेम चेंज करने की काबिलियत रखते हैं, ऐसे में उनके जैसे ऑलराउंडर को एलएसजी किसी भी हालत में रिलीज नहीं करना चाहेगी। वहीं चौथे खिलाड़ी की बात करें जिन्हें एलएसजी रिटेन करने वाली है, वो है मयंक यादव। मयंक यादव को भी एलएसजी ने 2022 के सीजन में ही अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया था। आखिरकार उन्हें 2024 में अपना आईपीएल डेब्यू करने का मौका मिल गया, जहां उन्होंने पहले मैच से ही विरोधी बल्लेबाजों पर अपनी रफ्तार का खैर बरपाना शुरू कर दिया। दूसरे ही मैच में उन्होंने 156.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंककर आईपीएल में सनसनी मचा दी थी, लेकिन 2 मैच बाद ही वे इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर हो गए। मगर इन 2 मैचों में ही मयंक यादव ने बता दिया कि वे आने वाले समय में कितने खतरनाक गेंदबाज बन सकते हैं, इसलिए उनकी काबिलियत को समझकर एलएसजी इस गेंदबाज को रिटेन कर सकती है। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 खिलाड़ी जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रिटेन करने वाली है। आपके हिसाब से कौन से 4 खिलाड़ी होंगे एलएसजी की रिटेन लिस्ट में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।